आज मैं आया हूं मिलने बिजनौर में, एक जलालपुर गांव है, वहां है राहुल चौधरी जी। किसी ने 2 साल पहले मुझसे एक बात कही थी कि त्यागी जी, जो उत्तर भारत का ये हमारा क्षेत्र है और जो पंजाब का इलाका है, आधा हरियाणा का इलाका है, रामपुर से पहले और जो आगरा से इधर का ऊपर का उत्तर भारत का क्षेत्र है, इसमें केले और पपीते की खेती के लिए किसानों को सलाह नहीं देना। मैंने भी 2 खेतों पर जाकर देखा था कि उनका केले की खेती बिल्कुल सर्दी में जो पाला पड़ता है उससे नष्ट हो गई थी। उन्होंने कहा, त्यागी जी, ये सक्सेस नहीं होगी। मैंने रोक दिया। उसके बाद मैंने इसको अपने यहाँ बाग पर कुछ पौधे लगाए और बहुत सारी वीडियो देखकर, एक रामशरण जी हैं, उनके मैंने एक सेंटेंस पढ़ा कि उत्तर भारत में 15 से 30 जून के बीच में केला लगाया। किसान साथियों, मैंने इसी दौरान केला लगाया अपने यहाँ पर। जो भी किसान मेरे फार्म पर आए हैं वो देखते होंगे कि मेरे रास्ते के दोनों तरफ है और मैंने कुछ खास नहीं किया। बहुत अच्छे केले आए, लोग फोटो खिंचाते हैं उनके पास आकर। तो जब मैं इस पर और पढ़ने लगा तो मुझे, मेरे साथी हैं अनिल कुमार जी जो जय हिंद नर्सरी के संस्थापक हैं, उन्होंने मुझे राहुल चौधरी जी का नंबर दिया। मैंने राहुल चौधरी से बात की और आज सौभाग्य मिला कि मैं इनके फार्म पर आऊं और देखूं कि ये केले की खेती किस प्रकार करते हैं। राहुल जी बलराम किसान से जुड़े हुए हैं और बलराम किसान एक जाना माना नाम है आजकल YouTube की दुनिया में। और जब भी आप केला और बांस की बात करोगे तो YouTube के सजेशन में दूसरी या तीसरी वीडियो बलराम किसान की होगी। किसान साथियों, मेरे कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर मैं खोजूंगा, शायद ये प्रश्न आपको केले की खेती करने में सहायक हो। हम इनके बाग पर गए, बारिश हो रही थी, उसके बाद हम आकर यहाँ पर बैठे हैं और इनसे चर्चा करते हैं। आइए मिलते हैं राहुल चौधरी। राहुल जी, जो किसान आपको देख रहे हैं उन्हें आप अपना संक्षिप्त सा परिचय दीजिए और ये बताइए केले का कार्य आप कितने साल से कर रहे हैं। जय हिंद साथियों, मेरा नाम राहुल जवान है। मैं जिला बिजनौर के गांव चौकपुरी का रहने वाला हूं। यहां जलालपुर में भी मेरा एक प्लॉट है जहां पे त्यागी जी को मैंने बुलाया है, सुलभता के कारण, रास्ते के कारण। और मैं पिछले 2019 से 18-19 से केले की खेती कर रहा हूं। उत्तर भारत के उस क्षेत्र में जहाँ जनवरी फरवरी में पाला पड़ता है, क्या उसके बाद भी यहाँ पर केले की खेती सफल हो सकती है, इसके बारे में आप किसानों को बताइए। जी बिल्कुल, सफल हो सकती है और सफल हो रही है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ हिस्से, इनमें हमें जब केला लगाना है तो 15 जून से लेके और 15 जुलाई तक केला लगाना है। और मध्य उत्तर प्रदेश 15 जुलाई से लेके 15 अगस्त, पूर्वी उत्तर प्रदेश 1 अगस्त से लेके 15 सितंबर तक आप केले की सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। और बिहार में नवंबर में भी हम लोग, जब भी हम केला लगाते हैं तो उसमें हमें किस, हमने ये मान लिया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम कर सकते हैं या उत्तर भारत के क्षेत्र में कर सकते हैं, तो उसके लिए किस प्रकार की मिट्टी, और मिट्टी में भी मुझे 3 चीज़ें, उसका पीएच कितना होना चाहिए, उसका ऑर्गेनिक कार्बन कितना होना चाहिए और उसकी ईसी कितनी हो अगर पता चल सके, और किस प्रकार की मिट्टी इसके लिए उपयुक्त है केले हमारे क्षेत्र में। जी त्यागी जी, इसी के बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी तो खुद आएगी जब उसके अंदर कार्बन होगा और बाकी चीज़ें होंगी, लेकिन इसका जो पीएच है वो 7.5 बहुत अच्छा पीएच माना जाता है, अगर 7.5 है। उसके अलावा आपका एक प्रश्न है ऑर्गेनिक कार्बन जो आजकल है ही नहीं और लोग सोयल पर बात नहीं करते, होना चाहिए 1 से ऊपर, लेकिन अगर केले के लिए 0.40 से ऊपर है तो भी सफलतापूर्वक खेती की जा सकती है। तो केले की खेती के लिए पानी का कितना TDS होना चाहिए, कितना खारा पानी होना चाहिए और पानी की कितनी आवश्यकता केले को पड़ती है, ये बताइए। पानी का TDS केले के लिए 1000 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सफलतापूर्वक आप उस पर फल नहीं ला पाएंगे, आएगा भी तो क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी। 1000 से नीचे आपका पानी का TDS होना चाहिए। दूसरा, पानी केले को लगातार पानी नहीं चाहिए, जो भ्रांतियां हैं कि पानी भरा हुआ होना चाहिए वैसा नहीं है, सिर्फ मॉइस्चर मेंटेन होना चाहिए उसमें, वापसा कंडीशन हमेशा बननी चाहिए।
महीने में बलुई मिट्टी में 4 पानी, बलुई दोमट में 2 पानी 3 पानी से कम चल जाएगा। ये बताइए कि इस एरिया में जो सबसे उपयुक्त समय है, किस समय किसान लगाएं केले को, जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं? 15 जून से लेके और 15 जुलाई तक मुरादाबाद से लेके जो पश्चिम यूपी के जिले हैं जिनमें पंजाब और हरियाणा भी शामिल है, यहाँ पे हम केले की खेती कर सकते हैं और इसी समय ही लगाना चाहिए, जो मेरे पर्सनल अनुभव हैं खुद के व्यक्तिगत। जब मैंने ये सोच लिया कि मुझे केले की खेती करनी है, तो मुझे खेत में केला लगाने से पहले क्या तैयारी करनी चाहिए? जी, 1 एकड़ केले की खेती करने के लिए हमें 3 से 5 ट्राली गोबर की सड़ी हुई खाद जो तैयार की हुई हो, उसके साथ में 250 कुंटल शुगर मिल का प्रसमेड, वो भी डिकम्पोज किया हुआ, ठंडा किया हुआ जिसको हमारी भाषा में बोलते हैं, 10 कुंटल जिप्सम, उसके साथ में 25 किलो खड़ा नमक, और यदि हमारे पास सरसों की खल है जो मैं डालता हूँ, मैं अपनी बता रहा हूँ, वो 50 किलो डालना है, और उसके साथ में तिल की हरी खाद, ये 2 बार बुवाई करके जुताई होनी चाहिए। ये खेत की तैयारी है। इसका मतलब जहाँ तक मैं समझा हूँ कि पहले आप उसमें कोई भी हरी खाद बो दीजिए जिसमें तिल अगर कर सको तो वो बोइए। अब ये भी आपको देखना है कि जो इसकी बुआई करनी है, जो लगाना है आपको केला, वो 15 जून से शुरू करना है, तो 15 जून से पहले आपको तिल भी बोना है, और तिल कम से कम भी 3-3 फीट का भी होना चाहिए जी। उसकी बुआई करिए, फिर उसमें खाद भी डालिए, जो 3 ट्रॉली का मतलब ये हो गया 150 कुंटल अच्छी सड़ी गोबर की खाद, और उसमें जो उसकी मली आती है जो शुगर मिल से आती है करीब 250 कुंटल जी, बताइए इसका मतलब 5 ट्रॉली वो भी पड़ेंगी जिसमें सल्फर की मात्रा बहुत होती है, और सरसों की खली और जो भी कुछ इन्होंने बताया है, इन सब को डालकर उसकी बुहाई करिए, पानी दीजिए, और आपका खेत केले लगाने के लिए तैयार होगा। एक ठीक है ना, एक चीज और है, इसके अंदर चारों तरफ से उसी समय में जब आप खेत छोड़ दें कि मुझे गेहूं काटने के बाद अब इसमें केला लगाना है, चारों तरफ से सुपर नेपियर करके एक घास आती है, गन्ना घास हमारे यहाँ पे सभी लोग बोलते हैं उसको, लान वाला बाजरा, हाँ, देहाती भाषा में, वो एक बार लगा के 10 साल तक चलता है, वो क्लाइमेट कंट्रोल के लिए चारों तरफ होना अति आवश्यक है, और 2 पौधों के बीच में मक्का हम 4 दाने लगाएंगे, नहीं तो क्लाइमेट कंट्रोल नहीं हो पाएगा और पौधा हमारा मर जाएगा गर्मी से, ये भी साथ में ही हो जाएगा खेत की तैयारी। किसान साथियों, जो राहुल जी ने बताया है उसको मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ कि मान लीजिए आपको 25 जून को केले का पौधारोपण करना है, उससे 3 महीने पहले कम से कम आपके पास खेत अवेलेबल होना चाहिए केले की खेती करने के लिए। उस 3 महीने में जो भी फसल आप लेंगे, सरसों की फसल काटते हैं या गन्ने की फसल काटते हैं, उसके बाद में कम से कम 10 दिन गहरी जुताई अवश्य करिए। उसके बाद में जो खाद बताया है, सड़ा हुआ खाद, अगर उसे ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास से उपचारित कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। ये 2 चीज़ें बायो एजेंट आप अवश्य डालना शुरू करिए, ये मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 3 साल का। उसके बाद आप उसमें हरी, उसको डालने के बाद मिट्टी में अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए, उसमें पानी लगा दीजिए, और पानी के बाद आप उसमें हरी खाद बोइए जो भी आपके पास है। राहुल जी की संस्तुति है कि आप उसमें तिल बोइए, आप उसमें सनी भी बो सकते हैं, आप उसमें ढेंचा भी बो सकते हैं, हमें हरी खाद से मतलब है। हरी खाद से कार्बन बढ़ेगी, मिट्टी की स्वस्थ मिट्टी होगी आपकी, लेकिन ये सब काम करने के लिए जो 25 जून है ये सब 25 मई तक आपके समाप्त हो जाने चाहिए, यानी हरी खाद भी मिट्टी में मिल जानी चाहिए, तो 25 मई तक आपका खेत तैयार हो जाना चाहिए। राहुल जी, अब हमारा खेत तैयार हो गया, जो हमें केला लगाना है 25 जून को, और आज 25 मई है, अब हमें क्या करना है? जी, हमारे यहाँ पे क्या होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, टेम्परेचर 40-45, इस साल तो 48 तक गया है, अब ऐसे में केले के अंदर 95% पानी है, आप सभी को पता है, उसको सर्वाइव करवाना इस मौसम में बहुत कठिन काम है। उसके लिए हम चारों तरफ से गन्ना घास लगाते हैं 1-1 फीट की दूरी पे, खेत की बाउंड्री पे, अगर खेत ज़्यादा बड़ा है तो हम उसके अंदर प्लस का निशान जैसे मेड़ बनाते हैं उस पर भी गन्ना घास लगाएंगे। उसके बाद
निशान लगाएंगे, उसके बाद हम खेत में निशान लगाएंगे। यदि मिट्टी मजबूत है, मजबूत मतलब बलुई मिट्टी है जैसे मेरे खेतों की है, तो इसमें आपको बेड बनाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपकी मिट्टी दोमट मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, कठोर मिट्टी है, पानी रुकता है उसमें, तो फिर हम उसके अंदर 4 से 6 इंच ऊंचा बेड बनाएंगे, 1.5 से 2 फीट चौड़ा, और वहां पे हम निशान लगा देंगे केले के। तो जहां पे पौधा का निशान हमने लगाया है वहां से 2 काम कर सकते हैं हम। एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में 7 फीट की जगह है, 3.5 फीट पर आप मक्का के 4 दाने लगा सकते हैं, या आपके पास सन और ढांचा है तो पौधे से 1.5 फीट छोड़ के आप पश्चिम और दक्षिण की तरफ से एल का एक निशान बना दीजिए, 2 फीट ऐसे और 2 फीट ऐसे, ऐसे मतलब पश्चिम से 2 फीट और दक्षिण से 2 फीट। अब जब ये पौधा लगाने से 20 दिन पहले करना है कम से कम, इससे पौधा आपका तकरीबन ढांचा और सन जो है वो 20 दिन में 1.5 से 2 फीट का हो जाएगा। आपके पौधे को जो धूप मिलेगी वो दोपहर 12 बजे तक की धूप मिलेगी, जो नुकसानदायक नहीं होती, पौधे के लिए बहुत अच्छी होती है। दोपहर 12 बजे के बाद की धूप आपके पौधे को नुकसान पहुँचाती है और वही पौधे के लिए घातक है, तो वो आपके पौधे को मिलेगी नहीं। और पश्चिम से आने वाली गर्म हवाएं पहले तो उसको फिल्टर कर देगा आपका नेपेर घास, उसके बाद वो मक्का, और लास्ट में आपका ये सन, तो ये आपके पौधे तक आते आते लगभग ठंडी हो जाएगी और आपके पौधे पे क्लाइमेट का कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं इसी तरीके से सफल हूँ। हमारे पौधे 20-25 दिन में मान लीजिए 1-1 फीट के हो गए वो जी, जो घास है और मक्का निकल कर 1 फीट की हो गए जी जी। उसके बाद अब हम जो पौधे लगाएंगे वो किस प्रकार लगाएंगे, उसके लगाने का तरीका बताइए जी। पौधा लगाने के लिए हम कीचड़ बना के पौधा लगाते हैं। आपके पास पानी में ट्राइकोडर्मा और गुड़ को घोल लीजिए, और मैथरीजियम एनिसोप्ले, शायद यही नाम है, मैटारीजियम, मैटारीजियम एनिसोप्ले, वो डाल लीजिए उसके अंदर। कितना डालना है, ज़्यादा नहीं, 200-200 ग्राम वो चलेगा, और 0.5 किलो ट्राइकोडर्मा चलेगा, और उसके साथ में थोड़ा सा गुड़, हम लोग जो डालते हैं वो सुक्रोज डालते हैं। ये मिला करके आपने इसको 0.5 लीटर पहले तो इसको पानी देना है आपने 2 दिन पहले खेत के अंदर। मेरे जिस खेत में मैं केला लगाने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे खेत में बेड बना हुआ है, नहीं भी बना हुआ है तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, अब पानी देने के बाद मेरा खेत ठंडा हो जाएगा। अच्छा। दोपहर के बाद मैं प्लांटेशन करूँगा। गर्मी में कभी भी 3 बजे के बाद ही आपने प्लांटेशन करना है, उससे पहले नहीं करना है, वरना उत्पादन में बिल्कुल 19 और 22 का अंतर आता है जो मैंने देखा है। अब आपने वो पानी लिया है साथ में बाल्टी में, उसमें से 200 ml 300 ml वहाँ पे आप डालिए जहाँ पे निशान लगाया आपके। एक लड़का निशान फावड़ा या कुदाली लेगा, नीचे मारेगा और निशान लगाता चला जाएगा। पानी डालने के बाद हाथ से उसको कीचड़ बनाना है, कई वीडियो में हमने दिखाया हुआ भी है। कीचड़ बनाने के बाद बस कीचड़ को हटाना है और पौधे को आराम से निकाल के वो पॉट को वैसे ही रखना है, कीचड़ को छोड़ देना है, बस। ये हुआ पौधा लगाने का एक सही तरीका, इससे पौधा तकरीबन 99% आपका चलेगा। लगाने की जो सही दूरी है, आप हम इसी क्षेत्र की बात करें जी, आपने बताया कि लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट जी, और पौधे से पौधे की दूरी 7 फीट भी हो सकती है, 8 फीट भी होती है, 9 फीट जी। 7 फीट कौन रखें, 8 फीट कौन रखें, 9 फीट क्यों रखें, क्या बलुई मिट्टी और जो चिकनी मिट्टी का फर्क है, या क्या फर्क है, वो जरा किसान को जी। दूरी का मिट्टी से कोई लेने देना नहीं है, दूरी का फर्क है कि मैं कितने साल के लिए खेती करना चाहता हूँ। केले, केले को कम से कम 35 स्क्वायर फीट जगह चाहिए, 35 से ऊपर आप इसको लेके जा सकते हैं, 45 तक, 48 तक भी ये सक्सेस है। उसके बाहर अगर हम जाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा धूप घुसेगी, बहुत ज़्यादा ठंडी घुसेगी, और हमारे क्षेत्र में हम कामयाब नहीं हो पाएंगे, फेल हो जाएंगे। सबसे जो अच्छा तरीका, जो त्यागी जी आपने मुझसे पूछा, वो 5x8 है, 40 स्क्वायर फीट की जगह हमें पौधे को देनी ही है। इससे पौधा उसका प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्ते बहुत अच्छे से चलेंगे, और ये जिगजैग में लगेगा पौधा, आमने सामने नहीं होगा, जिगजैग में होगा, बहुत सुंदर एक प्रीमियम क्वालिटी आपकी बनेगी। और ज़्यादा समय तक आपका जो केला है, व्यापारी लेने के बाद जब ठेले पे लेके जाएगा तो वो ठेले पे ज़्यादा समय तक पकड़ करेगा। तो अच्छी जो दूरी है वो लाइन से लाइन 5 फीट, पौधे से पौधा 8 फीट की है।